तो देखो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो। बेसिकली अगर इसमें आप देखोगे तो इस क्वेश्चन को आप देखोगे यहाँ से, तो यहाँ से प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ दिया हुआ है, और ये प्रेशर टेम्परेचर स्ट्रेट लाइन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अगर प्रेशर और टेम्परेचर स्ट्रेट लाइन में है तो इसका मतलब पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है, और इस केस में वॉल्यूम क्या होता है? कॉन्स्टेंट होता है। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रोसेस कैसा है? आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो व्हाट इवर जो भी प्रोसेस है, व्हाट इज दिस? दिस इज आइसोकोरिक प्रोसेस। तो अगर ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो जब यहाँ पर इस के पॉइंट पर, एट पॉइंट के पर अगर आप देखोगे, तो पॉइंट के पर प्रेशर की वैल्यू कितनी है भाई? तो प्रेशर जीरो है, तो उस पॉइंट पर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में कितना होगा? तो यहाँ पर देखते हैं। तो अब देखो, आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो यहाँ से तुम देखोगे आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से ही हम चलते हैं। तो प्रेशर इज इक्वल टू एन आर, और यहाँ पर वॉल्यूम भी, और टेम्परेचर टी। तो यहाँ टेम्परेचर के केल्विन में है, यहाँ पर टेम्परेचर अगर डिग्री सेल्सियस, ये जो टेम्परेचर टी है, इस टेम्परेचर टी प्लस 273 में एड कर दूँ यहाँ पे, तो ये जो टी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है, अगर डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस में जो टेम्परेचर है उसमें 270 एड कर दूंगा, तो ये पूरा का पूरा केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से तुम देखोगे तो एन आर, और ये वॉल्यूम भी इज इक्वल टू टी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्लस 273 एड कर दूँ, तो ये अपना केल्विन में पूरा कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से प्रेशर पी, अब इसी इक्वेशन का मैं यहाँ पर यूज करूँगा। तो अगर देखोगे यहाँ पर इफ प्रेशर इज इक्वल टू जीरो हो, अगर प्रेशर की वैल्यू जीरो हो, तो इसका मतलब ये हुआ एन आर और बी कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब हुआ टी प्लस 273 मस्ट बी इक्वल टू जीरो, तो टेम्परेचर माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर जब वॉल्यूम प्रेशर जीरो होगा तो टेम्परेचर माइनस 273 डिग्री सेल्सियस में होगा, यहाँ पर माइनस 273 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर, और ये जो चीज़ है यहाँ पर जीरो डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर जीरो डिग्री सेल्सियस है, माइनस 273 डिग्री, माइनस 273 मतलब ये ऑप्शन सही है।